जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि महा मेट्रो अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपको डाउनलोड करना है और आपको इसके एलिजिबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी जाननी है तो मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। यह लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 134 पोस्ट निकाले गए हैं। जॉब लोकेशन आपकी नागपुर, पुणे एंड नवी मुंबई रहने वाली है। इसके अलावा गाइज, आप लोग इस फॉर्म को 28 अक्टूबर 2023 से लेकर के 28 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे। किस लोकेशन के लिए कितनी पोस्ट है वो आप चेक कर सकते हैं। एज आपकी 17 से 24 साल के बीच रखी गई है। ऑल कैंडिडेट्स यहाँ पर ₹150 फीस पे करेंगे एंड उसके अलावा जो अन्य कैटेगरी है जैसे कि SC ST विकलांग फीमेल, इनको ₹50 फीस पे करनी है। तो आप इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर ये जानेंगे कि कौन से ट्रेड पर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो आपके पास अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और ITI होनी चाहिए इनमें से किसी भी ट्रेड में जिसमें कि आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये सब जानकारी चेक करने के बाद में अभी आप अगर आप इसमें एलिजिबल है तो आपको कैसे फॉर्म भरना है वो जान लीजिए। तो गाइज, मैंने यहीं पर इंपोर्टेंट लिंक्स में ही अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है। यह लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आने के बाद में आई हैव डिक्लेयर डेट, आप इसके ऊपर टिक करेंगे और अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहां पर आपको आपकी रजिस्ट्रेशन ID एंटर करनी है एंड यहां पर पासवर्ड, बट आपके पास तो है ही नहीं, आप यहां पर क्या भरेंगे। इसलिए गाइज आपको यहां पर क्या करना है, आपको नीचे RU A New Applicant क्लिक हियर टू रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में स्टेट यू बिलोंग टू, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहां पर आपका फुल नेम एंटर करना है, ये नाम आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि आपने नाम भरा है फुल नेम, तो पहले आपको आपका फर्स्ट नेम डालना है, फिर आपका मिडिल नेम और उसके बाद में आपका लास्ट नेम, इस प्रकार से आप इस नाम को भरेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका फादर का नेम एंटर करना है या फिर हस्बैंड का, शादी हो चुकी है तो आप आपके हस्बैंड का नाम देंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे फादर, हस्बैंड, मिडिल नेम, तो बेसिकली आप इसी प्रकार से भरेंगे, पहले आपका फर्स्ट नेम आपके फादर का या फिर हस्बैंड का एंड उसके बाद में और उसके बाद में लास्ट। फिर आएगा आपका आधार नंबर, तो यहां पर जो भी आधार नंबर है वो डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेनी है, पहले आपका ईयर और फिर यहां से आपका मंथ और उसके बाद में डेट, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जेंडर आप यहां से सेलेक्ट कर ले। सोशल कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर ले, जैसे कि SC ST OBC जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें गाइज जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट है वो यहां पर जनरल के अंदर जो काउंट है वो किए जाएंगे। इसलिए गाइज अगर आप मुंबई से है या फिर महाराष्ट्र से है तो आप आपकी रियल कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आप अन्य स्टेट से है तो आप यहां पर UR यानी कि जनरल सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद में गाइज यहां पर अप्लाइंग कैटेगरी, तो आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करें, जो आपकी सोशल कैटेगरी है उसी में या फिर आप जनरल में अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहां पर बताएंगे। अगर आप EWS कैटेगरी है तो यस करें, नहीं तो आप नो ही रहने दें। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करें, नहीं तो आपको इसमें भी नो ही रहने देना है। और फिर आप आपकी ईमेल ID एंटर करेंगे, देन आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना है। आर यू फिजिकली हैंडीकैप, क्या विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आती सिलेक्ट ITI क्वालिफिकेशन एंड ट्रेड यू विश टू अप्लाई, तो आपको यहां पर ITI पास ट्रेड यानी कि किस ट्रेड में आपने ITI पास किया है वो ट्रेड आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर ट्रेड, तो आप यहां पर फिटर के लिए अप्लाई करेंगे, ऑब्वियस है क्योंकि उसी ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं जिस ट्रेड में आपकी ITI की क्वालिफिकेशन है। फिर आती है डिवीजन, तो यहां पर किस डिवीजन में आप अप्लाई करना चाहते हैं, किसी एक डिवीजन में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको आपने सेलेक्ट कर लिया। ये जो जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सभी को चेक कीजिए एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपने यहां पर जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने, आप इन जानकारी को चेक कीजिए एंड एक बार फिर से सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब आपको यहां पर बोला है कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योर रजिस्ट्रेशन ID एंड सेंड, आपको आपकी रजिस्ट्रेशन ID आपके नंबर पर सेंड की कर दिए और साथ ही आपको यहां पर एक OTP भी सेंड किया गया आपके मोबाइल नंबर पर। तो आप यहां पर क्लिक है टू लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए, जो रजिस्ट्रेशन ID आपको यहां पर मिली है मैसेज और ईमेल के माध्यम से वो डालिए, जो पासवर्ड मिला है वो यहां पर डालिए एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर बोला है कि आपके नंबर पर एक OTP जाएगा जो कि आपको यहां पर डालना है और वेरीफाई मोबाइल नंबर इसके ऊपर क्लिक करना है।
नाउ गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको पासवर्ड चेंज करने को बोला है। बट मैं आपको ये जानकारी देने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपको ओटीपी आने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको वेट करना है और आपको रिसेंट ओटीपी के ऊपर 3 मिनट के बाद लगातार क्लिक करते रहना है। कम से कम मुझे ये ओटीपी आने में 10 से 15 मिनट लगे, कई बार मैंने ट्राई किया तब जा करके मुझे ओटीपी आया है। इसलिए यही जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 2-4 बार ट्राई करना है, आपको ओटीपी आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर आपका जो ओल्ड पासवर्ड आपको ईमेल के माध्यम से मिला है वो डालिएगा, एक न्यू पासवर्ड आपको बनाना है आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आप यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर राशन आईडी डालिए, जो पासवर्ड अभी आपने रिसेट किया वो डालिए एंड देन फिर से लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर एड एजुकेशन डिटेल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद 10th की यहाँ पर जानकारी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। अब आपको नेम ऑफ द बोर्ड के अंदर आपका बोर्ड सिलेक्ट करना है जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 10वीं पास की है। इसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आपने 10वीं के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट से आपकी 10वीं की है आप इसी तरह से लिख दीजिए जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिया गया है। तो 10वीं के सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखने हैं। ईयर ऑफ पासिंग में आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है। इसके बाद में यहाँ पर आपको बताना कि किसके अंदर आपके नंबर थे, CGPA या फिर परसेंटेज। तो मेरे परसेंटेज थे, मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया। अब आपको आपकी परसेंटेज यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद में यहाँ पर अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो आप सिलेक्ट कीजिए। इसका फॉर्मेट आपका PDF का होना चाहिए, इमेज में आप इसको अपलोड नहीं करेंगे, ये आपको PDF के अंदर अपलोड करना है। तो जहाँ पर आपकी फाइल है सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इस तरह से ओपन कीजिए एंड फिर गाइज आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये जानकारी आपके यहाँ पर सेव हो जाएगी, आपको ओके करना है। ओके करने के बाद ऐड एजुकेशन डिटेल के ऊपर फिर से क्लिक करना है। अब आपको ITI सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में आपको नेम ऑफ द बोर्ड काउंसिल के अंदर बताना है कि कौन से बोर्ड या फिर किस काउंसिल से आपने किया, जैसे कि NCVT या फिर SCVT। ट्रेड का नाम आपको यहाँ पर लिखना है कि इनमें से आपने किस ट्रेड में की है, कब आपने आपकी ITI पास कर ली थी वो ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे, किसके अंदर आपके नंबर थे वो बताएंगे एंड यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो आपको एंटर करनी है। फिर आपका जो ITI का सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने एक यहाँ पर रैंडम फाइल सेलेक्ट की, ओपन किया। अब मैं फिर से ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना होगा। तो गाइज यहाँ पर सेलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। फोटो का साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। तो आप ओपन कीजिए, आपका फोटो आएगा, अपलोड के फोटो के ऊपर क्लिक कीजिए, फाइल अपलोड हो जाएगी। इसके बाद सेम वे में जहां पर आपका सिग्नेचर है वो आपको सेलेक्ट करना है एंड फिर यहां से इसको ओपन करना है, अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके इसको भी आपको अपलोड कर देना है। अब आता है आपका सेल्फ अटेस्टेड स्कैंड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। यहां पर आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में 10th का सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट भी आपका PDF का रखा है, जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है एंड यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में इसको ओपन करना है, वो फाइल आपकी आ जाएगी। फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। स्कैंड कॉपी ऑफ आधार अपलोड करनी है। इसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC है वो आप अपलोड करेंगे एंड देन आप सभी जानकारी चेक करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने शुरू से लेकर के अभी तक जितनी भी जानकारी भरी है वो आपके सामने, आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करेंगे। चेक करने के बाद में यहाँ पर टिक करेंगे एंड अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट डाटा के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लेंगे, नहीं तो आपको सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट होगा बट अभी फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। अभी आपको यहां पर मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश कार्ड, QR, UPI यानी कि जिस माध्यम से जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार गाइस आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।